मौत के शिकंजे से निकलने के लिए उस आखिरी दरवाजे से जाना पड़ेगा। ये बचेगा नहीं, ये मरेगा, ये जरूर मरेगा। नहीं मरेगा भाई, नहीं मरेगा। दरवाजा बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, चौथा बंद। अब उनका मजा नहीं, अब उनका गुस्सा आता है भाई, गुस्सा आता है। खामोश, तुमको दमदमी माई का गुस्सा का अंदाजा नहीं है। दमदम 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 हमदम मंदम पंतर पंतर जादू मंतर दमदम 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 हमदम मंदम पंतर पंतर जादू मंतर दमदम दमदम दमदम। भाई दुश्मन को दरवाजा खोला नहीं भाई, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ भाई। दमदम सुनारगढ़ सरहद पार करने की कोशिश मत करना, समझे? मैं क्रूर सिंह। आज कोई भी ताकत घसीटा राम का रास्ता नहीं रोक सकती क्रूर सिंह। घसीटा, तूने बद्री की मदद और सबूत की जो दिशा पकड़ी है तो फौरन छोड़ दो और फौरन सुनारगढ़ की वापसी की दिशा पकड़ लो। जाओ। नहीं, आज खसीटा सर पे कफन बांध कर निकला है क्रूर सिंह, कोई भी ताकत उसकी दिशा बदल नहीं सकती। खसीटा, वापस लौट जाओ खसीटा राम। ओ, तो तुम हो? हाँ मैं, वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना? वरना क्या? वरना हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि कोई तुम्हारी लाश को पहचानने वाला नहीं होगा। समझे घसीटा राम? घसीटा राम, तुम जैसे क्रूर कट्टर तगाबाज षड्यंत्रकारियों की धमकियों में नहीं आने वाला। सुना तुम लोगों ने? तुम्हारे दस्ते के सारे साथी तो ध्वस्त हो चुके हैं, क्या तुम अब भी हमसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? क्रूर सिंह, जंग में सैनिकों की संख्या नहीं,
हिम्मत और हौसला ही किसी वीर का कवच होता है। और मैं उसी हौसले का इस्तेमाल करके तुम सबको गिरफ्तार करूंगा और महाराज के सामने पेश करूंगा। ये जब तुम यहाँ जिंदा बच के निकलोगे। ये तो अभी तय हो जाएगा कि कौन जिंदा बचेगा और कौन भागेगा। लेकिन तुम्हारे इस हमले ने साबित कर दिया है कि तुम सब चुनारगढ़ के वफादार नहीं हो। वफादार ही नहीं बल्कि गद्दार हो, फैशी हो, हत्यारे हो तुम। तुमने ठीक कहा और ठीक पहचाना भी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो गद्दार मैं ही था जिसने महाराजा शिवदत्त के दिमाग में जाबाज के बारे में गलतफहमी पैदा करके सुमेरा पे हमला करवाया था। और ये भी सुनो भतीजा कि वो षड्यंत्रकारी औरत नहीं थी जिसने महारानी कलावती को मारने की साजिश कई बार की। शैतान औरत? हाँ, तुम्हारे मुताबिक मैं ही शैतान औरत। मैं ही महारानी कलावती की जगह चुनारगढ़ की महारानी ने का इरादा रखती हूँ। तुझ जैसी षड्यंत्रकारी औरत की तो बोटी बोटी काट देनी चाहिए। घसीटा, पूरी तरह फेरिश्त सुन लो। अभी और भी करिंदे मौजूद हैं हमारे पास। हाँ, और वो हथियारन भी मैं ही थी जिस के जरिए सभ्या का कत्ल किया था। तू औरत नहीं, डायन है। डायन। और सुनो, वो मेरा ही अय्यार नाज़िम था जिसने वैद्यराज की शक्ल अख्तियार करके महाराजा शिवदत्त पे कातिलाना हमला किया था। यक इतनी भरी भयानक जरूरत तूने की थी क्रूर सिंह। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। और तुमने चौथा इंसान वैश्य को निकलवाया। वो चौथा वैश्य मैं ही हूं जिसने सुंदर की लाश को शमशान से उठाकर ठिकाने लगाया था। समझे घसीटा? बागम्बरी गुफा तक पहुंचने के बाकी मुकाम तो मैंने तय कर लिए हैं। अब सिर्फ खूनी नाला बचा है जो सीधा मुझे बद्रीनाथ जी तक ले जाएगा। मुझसे बच के कहां जाओगे घसीटा? मैं तो यमराज का भी यमराज हूं। मुकर्रर वक्त से पहले यमराज भी मौत नहीं देता क्रूर सिंह। अच्छा, हाँ।
से मोड़कर घसीटते घसीटते मौत की दिशा में मोड़ेगा। तू काहे अगर तू वीर होता तो सामने से मुकाबला करता। तू ये तू मौत के सामने दे रहा नसीहत देना बंद करो वीर। बुजुर्गो ने कहा है इश्क में और जंग में जायज सभी हथियार है। कुचल डालो इसे। तुझे इस मौत से पानी नहीं होगा। अब मौत से बचकर कहां जाएगा घसीटा। एक मौत कायरों की होती है। अपनी धरती पर कुर्बान होने वाले लोग शहीद कहलाते हैं। और शहीद कभी मना नहीं करते, हमेशा जिंदा रहते हैं। अफसोस बद्रीनाथ जी, मैं जो अपने सोच रहा था वो करना सकता आपके बड़े भाई मदीना जी अचानक। तो अभी ऐसा ना उतार सका। चुनारगढ़ की धरती मेरी सर जमीन, तुझे मेरा आखिरी सलाम। मगर दमदमी की फराक दिली देखो। ए चुनारगढ़ की धरती मेरी सर जमीन, तुझे मेरा आखिरी सलाम। ये मेरे दिल में क्या हुआ? कुछ अर्थ हुआ हो जैसे। ये मेरे दिल में चोट कैसी लगी है? जरूर कोई अनिष्ट हुआ है पंडित जगन्नाथ के साथ या मेरे किसी अजीज के साथ। दमदमी माई इस बात तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुम पूरी तरह मेरे काबू में हो। ये जो बीतता हुआ समय मुझसे छीना है, इसका हिसाब अगर मैं नहीं ले सका दमदमी, तो इसका हिसाब ऊपर वाला लेगा। सुना तूने डॉन? माई माई, ये तुमका माई नहीं डॉन बोला। डॉन क्यों बोला माई? डॉन क्यों बोला?
ठीक है। देवी माँ, ए बैरी, तुम्हारा पाप है दमदमी माई का अपमान करना और सजा दमदमी माई की दुश्मनी। दान का धर्म से पाप होता है और किसी को बेवजह सताना उसकी आदत। मजा आ गया माई, मजा आ गया। शाकाल पति, मजा लेने में हमारे वफादारों को भी शामिल होना चाहिए। मेंढ की गिरगिटी सब के सब चले आओ। अब होगा मौत का असली जश्न। ए बैरी, मरते वक्त कैदियों को पानी तक नसीब नहीं होता, मगर दमदमी की फराक दिली देखो, तुम्हें पानी पिला कर मार रही है। Ha 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 ha